तो हेलो वेलकम बैक गाइस अनदर ब्लॉग। तो आज हम पहुंच चुके हैं सतपुली के पास भैटुली। भैटुली गांव है, यहाँ मैरिज सूट है। तो अभी अभी पहुंच रहे हैं हम। अभी टाइम कितना हो रहा है, 4 बज चुके हैं और हमें काफ़ी लेट हो गया है। 12 बजे चले थे कोटद्वार से, लेकिन बस बहुत ही धीरे धीरे आई, पंचर भी हो गई थी रास्ते में। तो पहुंचने वाले हैं हम दूल्हे भैया के घर पे, तो वहाँ जाके आपको अपडेट करते हैं। गाइस पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ देख सकते हैं आप, हमने यहाँ सामान रखा है। ये है हेलो। तो यहाँ पे हमने सामान रख दिया है और रात को हमें यही रहना है। हाँ जी, हाँ जी, पूरा पुरानी यादें ताज़ा हो गई, देख सकते हैं। और विक्की भाई कहाँ गए? अरे विक्की भाई कहाँ गए आप? खैर वही बात। और विक्की भाई तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। भाई अभी हमारे खेत चिल मारने और प्रोग्राम होगा शाम से शुरू। और यहाँ पे विक्की भाई अपनी रील बनाते हुए, देख सकते हैं आप, बड़े ही ध्यान से रील बना रहे हैं। और इधर देख सकते हैं आप हिमांशु भाई अपनी रील अपलोड करते हुए। और चलते हैं कुछ देर में नीचे, उसके बाद हो जाएगा प्रोग्राम स्टार्ट। तो दिखाते हैं आपको आगे भी, बने रहें ब्लॉग में। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुकी है अगली सुबह। हेलो गुड मॉर्निंग, रात को यहीं सो रहे मकान मालिक, और बहुत ही बढ़िया मकान मालिक बाहर सो रहे मकान मालिक यहाँ पे सोए क्योंकि रात को विक्की भाई ने दरवाजा नहीं खोला, वो खटखटा रहे थे बहुत ज्यादा। विक्की भाई चाय पियोगे? विक्की चाय पियोगे? चाय पियोगे? चाय नहीं लेंगे। तो चलते हैं हम नीचे चाय ले, खुद ही बना ले। हाँ मैं बना रहा हूँ। बोल रहा था कौन? वो यहाँ बारिश हो चुकी थी, देखिए रात को मौसम बहुत ही ख़राब था यहाँ। तो चलते हैं अब चाय नाश्ते के। गाइस इस गांव में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम हम नेटवर्क की तलाश में जा रहे हैं रोड में। और मेरे पीछे देख सकते हैं आप, हिमांशु भाई फ़ोन में बिजी हैं और बिल्कुल ही बात नहीं सुन रहे हमारी, क्योंकि उनके दोनों कानों में ईयरफोन है। और विक्की भाई और मैं जा रहे हैं ड्रोन का शॉट लेने, तो हमें लोकेशन लेनी है गांव की। और गांव बहुत ही यहाँ वीरान जगह में है, यहाँ चाय पानी की व्यवस्था नहीं है और यहाँ 10 बजने वाले हैं, नाश्ता भी नहीं बना भी है और भूख लगी है। तो सब कुछ करना पर फोटोग्राफर मर गए, तो आप भी देख लेना शूट पे, कभी ऐसी जगह मत आना। एक ही गाँव है, बहुत दूर दूर तक कोई गाँव भी नहीं है इधर। और हमें तो डर भी लग रहा है, यहाँ झाड़ियाँ हैं, कहीं बाहर में निकल जाएगा ऐसी। और हम अभी नेटवर्क की तलाश में चल रहे हैं रोड की तरफ। तो ऊपर चलें क्या? हैं ये उधर चलें, उस घर की तरफ चलें उधर। घर का रास्ता है यार ये, घर के लिए है ना ये रास्ता, घर पे नीचे से गया है ना यहाँ से। तो चलो रोड में चलते हैं फिर, और देखते हैं वहाँ नेटवर्क आते हैं कि नहीं। बने रहे आप ब्लॉग में। आ गया रे, आ गया, पहुंच गया, आ गया। तो ये देख सकते हैं आप सुबह की मॉर्निंग, और ये रहा गांव। और जहाँ शादी है दो घर इस साइड है जहाँ हम हैं अभी। और रोड आ रखी है यहाँ कच्ची। और ये रहे हमारे विक्की भाई जो कि, और यहाँ पे देखिए हिमांशु भाई, ये हिमांशु भाई देख सकते हैं हम नेटवर्क की
तो गाइस यहाँ पे नाश्ता बन चुका है और ये रहा हमारा नाश्ता। हाँ ये है आलू की सब्जी पूरी और यहाँ पे बस ये है आलू की सब्जी और पूरी। तो बहुत ही टेस्टी बना रखा है गांव का खाना। गाइस देखिए ये था हमारा रात का कमरा और यहाँ पे थे हम और यहाँ पे उस वाले में थे विक्की भाई और इस वाले में मकान मालिक घर जो आए उसकी स्टोरी मैं आपको अभी बताऊंगा बाद में क्या हुआ था रात। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप पाने कंप्लीट हो चुके हैं और पानों के बाद यहाँ पे डांस चल रहा है और यहाँ पे पहाड़ी ढोल दमों में डांस चल रहा है आप देख सकते हैं। तो यही है पहाड़ी कल्चर जो लोग बहुत मिस करते हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ शादी में आए हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा सीमा शिवादाली कहा सुधा नमस्ते जय चंदी चामुंडी जय गोता तिहारिणी जय सर्वधी देवी कालराती नमस्ते चंद महाकाया कल्पांता नमस्ते दीप ज्योति परब्रह्मा इसका मौसम हो चुका है और हमारा लंच हो रहा है और ये मीठा भात बना लंच में। आज लंच हो चुका है और हम आ चुके हैं नेटवर्क में एरिया में। यहाँ पे सभी बिजी हैं अपने मोबाइल में यहाँ पे देख सकते हैं आप वीडियो कॉल में बिजी हैं यहाँ पे और ये देख सकते हैं विक्की भाई अरुण भाई को फ़ोन मिला रहा हूँ। तो मौसम कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है देख सकते हैं मेरे पीछे बारिश हो रही है <जन्चा गिना। laughs> देख भाई गाइस तो हम जा रहे हैं क्या बोलते हैं कचपोली खाने के लिए कचपोली खाने के लिए देखिए माल्टे की और ये है नमक और मिर्च और अब कचपोली खाई जाएगी कचपोली और विक्की भाई भी आ रहे हैं कचपोली खाने वो खुद एक कचपोली है तो अभी पेड़ दिखाता हूँ मैं आपको। आप घर हाँ बच्चा आप जरा भाभी जी पढ़ना बारात रेडी हो चुकी है और तैयार हो चुके हैं सभी ये अरसा देख ये है अरसा इसको हिमांशु भाई कुछ और भी बोल रहे थे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। गाइस बारात निकल चुकी है यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं आप। तो बारात में जाना है देहरादून और आप मेरे पीछे देख सकते हैं रात की शादी है और मैं दिखाता हूँ कितनी बड़ी बारात है। ज़्यादा लोग नहीं है बहुत ही कम लोग जा रहे हैं बारात में। Yeah.
जा बस ¿Qué tal?